महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने कहा कि जल्द ही प्रदेश की आंगनबाड़ियों में बच्चे और गर्भवती महिलाओं को खाने के लिए अंडा दिया जाएगा। प्रदेश सरकार ने इसकी तैयारी कर ली गई है, अगले महीने से इसकी शुरुआत हो सकती है। भाजपा ने प्रदेश सरकार के इस फैसले को भावनाओं से खिलवाड़ करने वाला बताकर इसका विरोध शुरू कर दिया है। मंत्री इमरती देवी ने कहा, प्रदेश सरकार ने कुपोषण मिटाने के लिए ये फैसला लिया है। बीते 15 साल में इस दिशा में कोई खास काम नहीं किया गया। करोड़ों रुपए हर साल खर्च होने के बाद आज भी कुपोषण एक बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने खड़ी है। अंडा देने की शुरुआत आंगनवाड़ियों से की जाएगी। इमरती देवी के बयान के बाद भाजपा विधायक रमेश्वर शर्मा ने कहा कि सरकार का ये फैसला प्रदेश की जनता की भावनाओं से खिलवाड़ करने वाला है। आंगनवाड़ियों में वहाँ महिला और बच्चे भी जाते हैं जो अंडा खाना तो दूर छूना तक पसंद नहीं करते। आंगनवाड़ियों में अंडा देने से यहाँ जाने वाले शाकाहारी लोग इससे दूरी बना लेंगे। इस स्थिति में कुपोषण कम होने की जगह और बढ़ जाएगा। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।